नमस्कार, जीएस डेली रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनारस की फेमस रेसिपी चूड़ा मटर बनाएंगे। ये देखने में तो बिल्कुल पोहा जैसी दिखती है, लेकिन इसका स्वाद पोहा से बहुत ही अलग होता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बनारसी चूड़ा मटर बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चिवड़ा 1 कप, हरा मटर 1 कप, दूध 2 बड़े चम्मच, 2 तेज पत्ता और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़े चम्मच देसी घी, 2 चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच चीनी। चूड़ा मटर बनाने के लिए सबसे पहले हम चिवड़े को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे। चिवड़े को धोकर इसका एक्स्ट्रा पानी छानकर अलग कर लेंगे। फिर इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। बनारस में चिवड़े को चूड़ा कहा जाता है, इसीलिए इस रेसिपी को यहाँ चूड़ा मटर कहा जाता है। फिर हम इस चिवड़े में दूध डालकर इसे दूध में भिगा देंगे। इसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक या लगभग 1/4 चम्मच नमक डालकर मिला लेंगे। फिर इसे एक साइड रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें तेज पत्ता और अदरक डालकर भूनेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च और हरा मटर डालकर मिलाएंगे। बनारसी चूड़ा मटर ठंड के मौसम में मिलने वाले ताज़ा हरे मटर से बनाया जाता है, इसीलिए इसका स्वाद बहुत ही अलग और ये बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन अगर आपके पास ताज़े हरे मटर ना हो तो आप फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल करके इसे बना सकती हैं। अब हम इसमें चीनी और स्वादानुसार नमक डालकर मिलाएंगे। अब हम इसे ढककर धीमी आंच पर लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे, या तब तक जब तक हमारे मटर अच्छी तरह से पक ना जाए। पांच मिनट के बाद हम इसे खोलकर एक बार अच्छी तरह से चलाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे मटर के दाने अच्छी तरह से पक चुके हैं। हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालकर मिलाएंगे। गरम मसाला मिलाने के बाद हम इसमें दूध में भिगोया हुआ चिवड़ा डालकर मिलाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा चिवड़ा
कितने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिलाएंगे। इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें देशी घी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से इसमें मिलाएंगे। अब आप चाहें तो तेज पत्ता इसमें से निकाल सकती हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डालकर मिलाएंगे और इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो अब हमारा बनारसी चूड़ा मटर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व करिए। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने सुझाव मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी और भी रेसिपीज देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।